प्लेयर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स ह्यूमन प्रीमियर लीग का आज अगला मुकाबला खेला जाएगा भाई। बहुत ही जबरदस्त विनिंग कराएंगे आज भाई। पिछले मैच में भी बहुत ही जबरदस्त विनिंग हुई थी, जिसकी वजह से टेलीग्राम पे क्या टीम मिली थी भाई, क्या जबरदस्त मुकाबला भी हुआ था। अब आज अगली टीम के लिए मैच यूनिक प्लेइंग इलेवन बन टीम इलेवन बना जा रहे हैं भाई, जिससे आप अच्छी रनिंग कर सकते हो। इससे पहले बताते भाई, स्टैट्स देखना जरूरी है। यहाँ पे स्टैट्स हम नहीं बता रहे हैं, टीम बनाएंगे भाई। स्टैट्स देख लो पड़ा हुआ है यूपी और गुजरात का, इसको खोल के दिखा देते हैं भाई। देख लो इस ऐप में सारे डिटेल और स्टैट्स पड़े हुए, जिसको देख कर आप टीम बनाओगे भाई तो लॉस नहीं होगे। पहले ही बता दे रहे, इसको देख के टीम बनाओगे तो भाई लॉस नहीं होगा, कम से कम लॉस नहीं होगा भाई। और इसको बता दे, इसके बाद टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा भाई। टेलीग्राम पे आप फाइनल टीम भी ले सकते हैं, टेलीग्राम पे फाइनल टीम हम डाल देंगे भाई। चलो अब कमेंट में देख लेना भाई, आपको लिंक मिल जाएगा। चलो अब भाई हम टीम बना लेते हैं। पहले आते हैं भाई विकेट कीपर पे। विकेट कीपर पे भाई पहले आप मोनी को देख लेना भाई। मोनी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, आपको मस्ट पिक करना है। ओपनर है, सेफ है, कंसिस्टेंट रन बना रही है, T20 में एवरेज है 41 की, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, फॉर्म में भी है, बड़ा नॉक भी खेल सकती हैं। इसके बाद आप हेले को भी देख सकते हो, ये भी आपकी सेफ पिक होने वाली हैं। अग्रेसिव ओपनर है, क्वालिटी प्लेयर है, हार्ड हीटर है, T20 की एवरेज 28 की है, और आप विकेट कीपरिंग से भी कुछ पॉइंट दिला सकती हैं। इसके बाद आते हो भाई बल्लेबाजी में। कल बल्लेबाजी में भाई जी हारिस बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर, मस्ट पिक करना है आपको। इसके बाद भाई आपको देखना है शेरावत को भाई, एस शेरावत भी बहुत ही ज़बरदस्त खेल रही है, सेफ पिक होने वाली है। नंबर 5-6 पे बल्लेबाजी करती है, सेफ रन स्कोरर है, नई है, फॉर्म में भी चल रही हैं। अगर जल्दी जल्दी भाई टॉप ऑर्डर जाता है तो ये अच्छा स्कोर बना के दे सकती हैं। इसके बाद भाई देख लेना आप लेदर फील्ड को, आप पी लेदर फील्ड को भी देख सकती हो, ये भी आपकी सेफ पिक होने वाली है। नंबर 4 और ओपनिंग करेंगी, सेफ रन स्कोरर है, ये भी यंग गन है भाई, बड़ा स्कोर बना सकती हैं। अभी तो फेल हो रही हैं, लेकिन भाई बड़ा नॉक आ सकता है। इसके बाद भाई हरप्रीत देवल को भी देख सकते हो, ये भी आपके ट्रम्प कार्ड होने वाली हैं। नंबर ओपनर या नंबर 3 की बल्लेबाज हैं, कंसिस्टेंट रन बना रही हैं, बॉलिंग भी कर सकती हैं कुछ ओवर, T20 की एवरेज है भाई 37 की। अब आ जाओ भाई ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में ए गार्डनर, दीप्ति शर्मा और टीम एक्रात और के ब्राइस, ये आपके चारों मस्ट पिक होने वाले हैं भाई, इन चारों को आपको लेना ही लेना है। इसके बाद भाई एस राणा को भी देख सकते हो, एस राणा आपको ग्रैंड लीग में देख लेना, बैट बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकती है, मिडिल ओवर में गेंदबाजी करेंगी, फिनिशर भी हैं और बल्क में भी विकेट ले सकती हैं। इसके बाद गेंदबाजी में आ जाओ भाई, गेंदबाजी में एस एक्सलेटन और टी कैनवार, ये दोनों आपके मस्ट पिक होने वाले हैं। इसके बाद भाई गैकवाड को भी देख सकते हो, गैकवाड आपके सेफ पिक होने वाले हैं, मिडिल ओवर में गेंदबाजी करती हैं, कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं, पावर प्ले में और डेथ ओवर में गेंदबाजी करती हैं और बहुत ही अच्छी शान है। और इसके बाद भाई सरवानी को भी देख सकते हो, यही सरवानी, ये भी आपके ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, मिडिल ओवर में गेंदबाजी करती हैं, कंसिस्टेंट विकेट टेकर निकाल सकती हैं भाई। इसके बाद एम सिंह को देख सकते हो भाई, ये भी आपकी ग्रैंड लीग पिक होने वाली हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी करती हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी करती हैं, कंसिस्टेंट विकेट निकालती हैं और बल्क में भी विकेट ले सकती हैं। चलो भाई तो अपना फटाफट से टीम ले लेते हैं भाई। हेले को ले लेते हैं, मुनी को, इसके बाद बल्लेबाजी में भाई जी हारिस को देख लेते हैं, इसके बाद ऑलराउंडर में टीम एक्रात, ए गार्टनर, दीप्ति शर्मा और ब्रॉयस को ले लेते हैं, इसके बाद गेंदबाजी में एक्सलेटर टॉन को ले लेते हैं, गैकवाट को ले लेते हैं, ताहूहू को ले लेते हैं, कैनवार को ले लेते हैं। चलो भाई अब आते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको लेना है। स्मॉल लीग में भाई
स्मॉल लीग में भाई टी मैकग्रा को दे सकते हो। टी मैकग्रा आपकी तीन नंबर तीन चार पे बल्लेबाजी करेंगी, सेफ एंड कंसिस्टेंट रन स्कोरर है, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, बड़ा नॉक भी खेल सकती है। इसके बाद अगले जो देख सकते हो जी हारिस को देख सकते हो भाई, ये नंबर चार पे बल्लेबाजी करती हैं, सेफ और कंसिस्टेंट रन स्कोर बनाती हैं और बॉलिंग भी कुछ कर सकती है भाई। T20 की एवरेज 23 के पार जा रही है, अभी बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही हैं। इसके बाद भाई ए गार्डनर को भी आप देख सकते हो, ए गार्डनर 5-6 पे बल्लेबाजी करेंगी, बैट बॉल दोनों से अच्छी कर रही हैं, मिडिल ओवर में गेंदबाजी करती हैं, सेफ कंसिस्टेंट भी रन बना रही हैं, विकेट टेकर भी हैं, प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। ये आप तो स्मॉल लीग में हो गई ये तीन खिलाड़ी। अब ग्रैंड लीग में बता दे भाई, ग्रैंड लीग में ए हेली को देख सकते हो, ये एक ओपनर हैं, हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं, चल गई तो बहुत ही मारेंगे। इसके बाद 28 की इनकी एवरेज है और कुछ पॉइंट विकेट कीपरिंग से भी दिला सकती हैं। इसके बाद भाई दीप्ति शर्मा को देख सकते हो, दीप्ति शर्मा आपके बैट से फिनिशर हैं और गेंदबाजी भी अच्छी करती है, मिडिल ओवर में गेंदबाजी करती हैं, सेफ एंड कंसिस्टेंट रन स्कोर कर रही हैं, कंसिस्टेंट विकेट टेकर भी हैं। इसके बाद भाई एक्सलेटन को भी देख सकते हो, एक्सलेटन आपको बॉल करेंगी पावर प्ले और डेथ ओवर में, कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं और बल्क में भी विकेट निकाल सकती हैं। इसके बाद मुनी को भी देख सकते हो भाई, बी मुनी को भी, ये भी ओपनर है, सेफ एंड कंसिस्टेंट रन स्कोर है, T20 की एवरेज 41 के, प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। इसके बाद भाई टूहू को देख सकते हो, ये भी पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करती हैं, कंसिस्टेंट विकेट निकाल रही हैं, अभी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, बल्क में विकेट निकाल सकती हैं। तो चलो भाई मैं ले लेता हूँ इस समय कैप्टन, मैं ले लेता हूँ भाई टीम एग्राथ को, वाइस कैप्टन ले लेता हूँ गार्डनर को और ये मेरी फाइनल टीम आ चुकी है भाई, देख लो, हेली, मुनी, हारिस, मैकग्राथ, गार्डनर, दीप्ति शर्मा, केब्रोस, एक्सलेटन, गैक्वाड, तुहू और कैनवार, भाई ये फाइनल टीम आ गई। और हम आपको बता दें भाई, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहीं से आपको फाइनल टीम और फाइनल टीम भी मिल जाएगी और स्टैट्स भी मिल जाएगी, जिसे देख के आप अगर टीम बनाओगे तो भाई लॉस में तो नहीं जाओगे। इसके बाद टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको फाइनल टीम दे देंगे भाई टॉस के बाद, और दोनों का लिंक आपको भाई डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा भाई। थैंक यू।